वैसे तो हमारी धरती पर पेड़ों की लाखों प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जिन्हें अब तक हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब पेड़ों के बारे में बात करते हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर वन है रेनबो ट्री। एक रेनबो की तरह दिखने वाला यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह पेड़ यूकेलिप्टिस नाम की एक प्रजाति का इकलौता ऐसा पेड़ है जिसकी छाल इंद्रधनुष के रंगों की तरह रंगीन होती है। यही वजह है कि इस पेड़ की गिनती दुनिया के सबसे रंगीन पेड़ों में की जाती है। इस पेड़ की एक और खासियत यह है कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे ही इसके रंगों में भी बदलाव आता है। पेड़ के इस तरह से रंगीन दिखने की वजह यह बताई गई है कि जैसे जैसे यह पेड़ बड़ा और पुराना होता है इसकी पुरानी छाल हटती जाती है और इस छाल के बाद नए और चमकीले रंग दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह पेड़ बिल्कुल एक रेनबो की तरह दिखने लगता है। इस पेड़ का इस्तेमाल सफेद पेपर को तैयार करने में किया जाता है। भले ही यह पेड़ सात रंगों की तरह रंगीन दिखाई देता है, लेकिन इसके द्वारा तैयार किए गए पेपर पर इन रंगों का कोई असर नहीं होता और वह बिल्कुल सफेद होते हैं। नंबर टू है बाओबाब ट्री। यह अजीब से दिखने वाले पेड़ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस पेड़ पर केवल साल के 6 महीने ही पत्ते लगे रहते हैं। लगभग 30 मीटर ऊंचे और 11 मीटर चौड़े दिखने वाले इस पेड़ की बनावट बेहद ही अजीब होती है। देखने में ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें ऊपर हैं और इसका तना नीचे है। पेड़ की इस बनावट की वजह से यह एक बोतल की तरह दिखाई देता है, जिस कारण इसे बोतल वृक्ष भी कहा जाता है। यह पेड़ काफी मजबूत होते हैं और अफ्रीका में तो इसे द वॉल ट्री की भी उपाधि दी गई है। नंबर थ्री है ग्रेट सिक्वा ट्री। यह पेड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है, जो कि अपनी लंबाई और बेहद चौड़ाई के लिए काफी जाना जाता है। यह पेड़ इतना बड़ा होता है कि इसका वजन 27 लाख पाउंड बताया जाता है और इस पेड़ की उम्र भी करीब 2300 से 2700 साल के आसपास बताई जाती है। नंबर फोर है ड्रैगन ट्री। यह अनोखी बनावट वाले ट्री अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिन्हें ड्रैगन ट्री कहा जाता है। और वह बात जो इस पेड़ के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली है वह यह है कि जब इस पेड़ को काटा जाता है तो इसमें से बिल्कुल खून की तरह लाल रंग का रस निकलता है। इस लाल रंग को रेजिन कहा जाता है। देखने में इस पेड़ की बनावट बिल्कुल एक छाते की तरह दिखाई देती है। ड्रैगन ट्री 32 से 39 फीट तक ऊंचे होते हैं और कुछ लोग तो इस पेड़ को जादुई शक्तियों का प्रतीक भी मानते हैं। नंबर फाइव है सिल्क कॉटन ट्री। यह विचित्र पेड़ कंबोडिया में पाया जाता है, जिसमें के कई तरह की विशेषताएं होती हैं। इस पेड़ की अनगिनत जड़ें होती हैं जो अपने आसपास के सभी वस्तुओं को अपने अंदर ले लेती हैं। इसी अजीब बनावट की वजह से इस पेड़ को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। नंबर सिक्स है पोलैंड के पेड़। पोलैंड के ग्रेफाइनो जंगल में कुछ ऐसे ही अजीब से दिखने वाले पेड़ हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस जंगल को क्रूक्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं। यह सारे पेड़ एक खास तरह से मुड़े हुए हैं। यह पेड़ बेस से 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाते हैं और फिर 3 से 9 फुट तक इसी तरह मुड़े रहने के बाद ऊपर की ओर बढ़ते हैं। एक और अजीब बात यह है कि यह सारे के सारे पेड़ उत्तर दिशा की ओर मुड़े हुए हैं। पेड़ों की इस तरह की बनावट को देखकर तो कई लोग यह भी मानते हैं कि इन्हें एलियंस के द्वारा लगाया गया था। नंबर सिक्स है एक्सल एयरलैंडसन सर्कस ट्री। पेड़ का यह बेहद सुंदर दिखने वाला आकार प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे यह आकार एक्सल एयरलैंडसन नाम के एक शख्स ने दिया था। अपनी इस सुंदर बनावट की वजह से यह पेड़ पूरी दुनिया में मशहूर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।